24 सितंबर और हम सीधा जाने वाले हैं आईफोन 13 सीरीज के ग्रैंड लॉन्च इवेंट में। हम सीधा जाने वाले हैं एसएस मोबाइल शॉप में, जहां कि आपको आईफोन 13 सीरीज आज से ऑफलाइन मार्केट में भी हर किसी को जिसने प्री बुक किया था उनको डिलीवर स्टार्ट होना शुरू होने वाला है। तो हम सीधा जाएंगे, देखेंगे कैसा है लॉन्चिंग। बहुत अलग तरीके का लॉन्चिंग आपको देखने को मिल जाता है इसी ऑफलाइन मार्केट में, तो हम पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना। मैं हूं सिद्धार्थ, वेलकम टू डिजिटल नेटवर्क। iPhone 13 सीरीज, iPhone 13 मिनी, iPhone 13 प्रो, प्रो मैक्स, आज के वीडियो में हम लॉन्च इवेंट में आ चुके हैं एसएस मोबाइल्स में, और आज हम जानेंगे क्या है स्पेशल लॉन्च इवेंट में। हम देखेंगे हर एक फ़ोन का फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे निकल के आए हैं iPhone 13 सीरीज के चारों मॉडल्स। तो बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सेलिब्रेशन में तो कोई कमी नहीं थी, पूरा तगड़ा सेलिब्रेशन हो चुका है। और हम सबसे पहले मुड़ने वाले हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स के फर्स्ट लुक पे या फिर अनबॉक्सिंग पे, और इसी ब्लैक कलर में आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स का बॉक्स देखने को मिल जाता है। जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले ऊपर इसी ब्लू कलर में मिल जाता है आईफोन 13 प्रो मैक्स। बड़ा फ़ोन है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है, और लुक के बारे में कहे और ये जो ब्लू कलर है अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल, बहुत यूनिक कलर निकल के आया है जो कि बहुत आई को कैची कलर आप कह सकते हो। नेक्स्ट लेवल आईफोन 13 प्रो मैक्स, और एक हमेशा की तरह इस बार भी आपको इन द बॉक्स चार्जर देखने को नहीं मिलने वाला है। और इसी से हम आगे बढ़ने वाले हैं इसके सिनेमैटिक मोड पे। इसकी खासियत है 13 प्रो मैक्स और 13 प्रो की, इसमें आपको सिनेमैटिक मोड उसी के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी नेक्स्ट लेवल फील बना देता है। तो आईफोन 13 और 13 प्रो मैक्स का जवाब ही अलग है। और आईफोन 13 का भी अनबॉक्स आप देखोगे तो सेम कलर है, थोड़ी सी साइज़ छोटी है, बाकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पूरा आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। और अभी हम आगे बढ़ेंगे आईफोन 13 और 13 मिनी पे। तो 13 में और 13 मिनी में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस साइज़ का और बॉक्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पे 13 अनबॉक्स करेंगे और इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अगेन आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स के लगभग सेम ही था। वाइट कलर का ये बॉक्स है और इसी ब्लू कलर में जो प्रो मैक्स का जो ब्लू है और ये जो ब्लू है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको डार्क देखने को मिल जाता है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए होगा तो डेफिनेटली आईफोन 13 मिनी या फिर 13 आपके लिए बनाया गया है। अगेन इन हैंड फील बहुत बेहतरीन था, हमने पूरा यूज़ नहीं किया है लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन से वो काफ़ी तारीफ़ करने लायक है। तो उम्मीद है आपको ये जो एक्सपीरियंस है वो पसंद आया होगा। और बाकी सेलिब्रेशंस में तो बहुत मज़ा आ गया दोस्तों, हमें मनी हाइस्ट का भी ग्रैंड लॉन्च देखने को मिला, आपके सामने ये भी वीडियो प्रेजेंट है। प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रहती है तो इसीलिए हम थोड़े से ऑफर्स के बारे में बात करेंगे। तो आईफोन 13 सीरीज में आपको 94 रुपीज़ से ईएमआई शुरू हो जाता है इसी एसएस मोबाइल्स में। आपको क्या करना है, कॉल करना है और आप बुक भी कर सकते हो, सीधा डिलीवरी भी ले सकते हो। 94 रुपीज़ पर डे का ईएमआई आपको देखने को मिल जाता है। और वही अगर आपको आईफोन 12 सीरीज लेनी है तो आपको सिर्फ 74 रुपीज़ का भी ईएमआई अवेलेबल है। और हम बात करेंगे अप टू 15,000 तक का कैशबैक आपको या फिर डिस्काउंट कह सकते हो सीधा आईफोन 12 सीरीज़ या फिर 11 सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। आपको क्या करना है, बस कॉल करना है और कॉल करके इंक्वायरी कर लेनी है इसी एसएस मोबाइल्स में। बोर्ड लाइन पे जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो, पूरा डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। फाइनेंस भी अवेलेबल है, ईएमआई अवेलेबल है, आप सब कुछ कर सकते हो वन क्लिक पे, वन फ़ोन कॉल पे, और आप मज़ा ले सकते हो आईफोन 13 सीरीज़ का सीधा अपने हाथ में।
तो कुछ ओवरऑल ये एक्सपीरियंस था हमारा आईफोन 13 सीरीज़ का ग्रैंड लॉन्च का। अब बहुत मज़ा आ गया, एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि आईफोन की मार्केटिंग ऑफलाइन में भी तगड़ा लॉन्च होता है, तो बहुत डेफिनेटली मज़ा आ गया। और हमने सारे आईफोन 13 सीरीज़ के फ़ोन टेस्ट किए, हमें बहुत अच्छे लगे। अभी हमने इन डेप्थ रिव्यू नहीं किया है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस आपको देने के लिए हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं हूँ सिद्धार्थ डिजिटल नेटवर्क से, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।